कुछ हो रहा है तो इंतजार किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार सुबह से कहते आए कह रहे हैं कि रिद्धिमा और उनके पति ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा और उनके दामाद ऋषि कपूर के वो दिल्ली से मुंबई आना चाह रहे हैं, वो उनके आने की किस तरह से उनको आने का प्रबंध किया जाए इस बारे में सोच विचार जारी है। अब अगर उन्हें परमिशन मिल गई आने की तो जरूर उनके रिद्धिमा के और उनके रिद्धिमा के पति के यहाँ पहुंचने तक ऋषि कपूर की अंतिम विदाई रुक दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर होते हैं वहां पर ऋषि कपूर अपने अंतिम सफर के लिए निकलेंगे। अब वो रिद्धिमा कैसे है कि सुबह से जो हमारे पास जानकारी मिल रही थी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए ही रिद्धिमा यहां पर आने वाली थी, हालांकि कोई हवाई यातायात भी किसी तरह की अन्य किसी जरिए रिद्धिमा और उनके पति यहाँ पर उनका आना संभव नहीं था, तो चार्टर्ड प्लेन के जरिए यहाँ उनका आना तय माना जा रहा था। सवाल था परमिशन का, पुलिस परमिशन भी अगर प्रशासन की तरफ से अगर अनुमति मिल गई है तो वो भी गतिरोध जो है वो खत्म हो चुका है उनके आने का। अब वो थोड़ी देर में यहाँ पर दाखिल हो जाएगी, जिसके बाद ऋषि कपूर को अंतिम विदाई के लिए स्मशान भूमि में चंदनवाड़ी स्मशान भूमि में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि कितनी देर में रिद्धिमा यहाँ से पहुंच सकती है, क्योंकि चार्टर प्लेन के जरिए ही जा पाएंगी। जी ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं। दरअसल ऋषि कपूर इस वक्त अस्पताल में ही उनका पार्थिव शरीर है और उसके बाद उन्हें यहीं से सीधे ले जाया जाएगा शमशान भूमि और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन रिद्धिमा को इस वक्त पास मिल गया है, दरअसल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो अपने पति के साथ रहती हैं और अब वो लगातार सुबह से ही कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो अपने पिता के पास पहुंच सके और मुंबई जा सके, तो दिल्ली सरकार ने उनको पास जारी कर दिया है। विनय सिंह मेरे सहयोगी खबर पता था जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनय, क्या अपडेट है, किस तरीके से वो जाएंगी, क्योंकि पास तो मिल गया लेकिन अब कोई चार्टर प्लेन वगैरह के जरिए ही शायद वो पहुंच पाएंगी मुंबई? जी बिल्कुल, वो उसी का इंतजार कर रहे हैं और उसी चीज का अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं चार्टर प्लेन के जरिए, क्योंकि जो परमिशन मिली है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक की परमिशन मिली है, इस बीच उन्हें वहां पहुंचना हुआ। दरअसल रिद्धिमा कल से ही कोशिश कर रही थी, जब ऋषि कपूर को हॉस्पिटलाइज किया गया था उसके बाद से रिद्धिमा कोशिश कर रही थी किसी तरीके से परमिशन मिल जाए बॉम्बे जाने की उनके उनके परिवार को, तो आज जाकर वो उनको परमिशन दिल्ली सरकार ने दे दी है और 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक की परमिशन है कि बीच में वो चार्टेड प्लेन से जाएंगी या किस तरीके से जाएंगी इसकी सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ी देर में उम्मीद साफ हो जाएगा किस तरीके से जाएंगी, तो शाम 5:30 बजे तक उन्हें वहां पहुंचना है। हालांकि उससे पहले ही वो पहुंच जाएंगी और पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है, अंत्येष्टि करनी है, संस्कार करना है ऋषि कपूर का, तो उसके लिए पूरा परिवार जो दिल्ली में उनकी बेटी और उनके दामाद है ऋषि कपूर के दामाद हैं वो सभी पूरा परिवार जो उनकी बेटी का पूरे परिवार वहां जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है और वहां पर जितनी उम्मीद की जा रही है शाम 5:30 बजे से पहले ही वो पहुंच जाएंगे। बस देखना ही होगा कि अब वो चार्टर्ड प्लेन से जा रही है किस चीज से जा रही है। लेकिन ये उनके मूवमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी मिल पा रही, क्योंकि देखिए अभी तो 1 बजे का समय हो गया है और 5:30 बजे तक का समय उनके पास है, तो अभी तक तो उनको मूव कर जाना होगा। हाँ बिल्कुल, वो उसी चीज का अरेंज किया जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन एयरपोर्ट पर वो जाएंगी, एयरपोर्ट पे चार्टर्ड प्लेन में पूरी वेरिफिकेशन होके पूरा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, कोई भी प्लेन चल नहीं रहे हैं, तो सब बिल्कुल बंद है एयरपोर्ट, तो पूरा कार्रवाई की जा रही है, पूरी इंस्ट्रक्शन की जा रही है, उसके बाद ये निकल जाएंगे। उम्मीद ये है कि अब से 3 घंटे बाद वो बॉम्बे में हमें नजर आएंगी, क्योंकि 5:30 बजे तक की परमिशन है, तो जाहिर है कि 5:30 बजे से पहले ही उन्हें पहुंचना होगा, तो चार्टर्ड प्लेन के मिलते ही साथ जो प्राइवेट प्लेन वहां पर कोई ना कोई है तो पहुंच जाएंगे। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के जुड़ेंगे। मुंबई से सचिन परब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, ये कहीं कोई टेक्निकल परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि पास जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है।